First things first, if we have an equation AA, okay, plus BB giving us CC plus DD, ठीक है, तो हमारा जो होगा दैट विल बी आवर ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल यस माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू, ठीक है। अब हमने आर टी बाय एफ इंटू 2.303 को 0.059 सॉल्व करके लिख दिया, 9 बाय एन इंटू लॉग सी डे सुपर सी डी ए सुपर डी अपॉन ए डे सुपर ए बी ए सुपर बी। वेरी गुड, ओके, सो इट बिकम्स दिस। ओके, नाउ इन दिस वी विल नॉट टेक द मेटल्स, वी डू नॉट टेक द मेटल्स बिकॉज उनका कॉन्सेंट्रेशन हम मेजर नहीं कर पाते हैं। So this is basically our formula, okay? Now let's look at the question. Represent the cell in which the following reaction takes place. अब represent करना है तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले इसको आप कर दो उसमें reaction के तौर पर लिख दो Mg solid giving us Mg2 positive, okay? 0.130 मोलर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो एनोड पे है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो किस पे, एनोड पे है। उसके बाद से 2 Ag पॉजिटिव 0.00001 मोलर, ओके, एंड इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस 2 Ag solid, okay? अब इसमें gain of electrons पे है तो ये cathode पे है, तो जब हम इसे अगर represent करेंगे तो हम कैसे represent करेंगे, is anode वाला reaction पहले लिखेंगे Mg dash Mg2 positive और Mg2 positive का concentration 0.130 exactly and double dash for the salt bridge and then Ag plus 0.0001 m, इसको ऐसे लिख देंगे तो चलेगा, yes sir, 10 to the power of minus 4 ही है ना, yes sir, okay। अब हमें E naught cell भी दिया है, we are given with the E naught cell। अब अगर हम इसको उसमें लिख दें, हमारे formula में लिखें, तो हमारे formula में E cell is equals to E naught cell, okay, minus 0.059 over N log, अब log में हम क्या करते हैं, product पहले लिखेंगे ऊपर तो Mg2 positive आ गया और reactant लिखेंगे उसके बाद से, that is our Ag positive and उसका square, ठीक है। तो अब लॉग लगाना आपको तो आता ही है, यस सर, ओके, सो कैरी ऑन, ठीक है रोहित सर, वो तो ठीक है, मैंने ना आपको डाउट भेजा था कल, वो भी मैं कर दूंगा। सो व्हाट इज ई नॉट सेल गिवन टू अस, 3.17, so that is equals to 3.17 0.059 upon 2 log Mg2 positive is 1.3 into 10 to the power of minus 1 and then we have divided by 10 to the power of minus 4 ka square. So Ag positive is nature, right? Okay. So it becomes 3.17 minus 0.0, 2 2s are 4, 2 9s are 8, 2 9 18, 2 5s are. And isko agar hum ab aise likhte hain, to 1.3 into 10 to the power of minus 8 upar jayega plus 8, to ho jayega 7. So If we now write it like this, 3.17 minus 0.0295, it can be written as a log
1.3 + 7। अब लॉग 1.3 का देखना पड़ेगा कितना है, 1139, सो दिस विल बिकम आवर ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 and this becomes 0.1139 + 7, so E cell will become 3.17 - 0.0295 multiplied by 7.1139. अभी के लिए I am doing it like this, but we are not supposed to do it like that, okay? मल्टीप्लाइड बाई 7.1, सो ये हो जाएगा 3, 7 3s are 21, तो 0.213, सो ई सेल हो जाएगा हमारा, ई सेल हो जाएगा 3.17 - 0.213, सो 3, 7 10 एंड देन 7 विल बिकम अ 6, 5 1 6, 2 9 10 11, 2.957 वोल्ट्स। चेक करें, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। अब सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन क्या था फिर से देखो, क्योंकि ये इक्वेशन अगर हमें याद हो जाएगा तो हमें बाकी तो कोई टेंशन ही नहीं होगा। इक्विलिब्रियम इज एन रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल कर दिया, तो हमारा जो ई सेल है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, सॉल्व कर दिया तो कितना, 0.0 प्रीतिका 0.059 / n log c·d·d·d / a·d·b·d·d। वेरी गुड। ओके नाउ अब अगर हम इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना है बेटा, तो सबसे पहले एट इक्विलिब्रियम हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि एट इक्विलिब्रियम देर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। इफ देर इज नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ई सेल विल बिकम जीरो। ठीक है, अब ई सेल अगर जीरो हो जाएगा तो ई नॉट सेल इधर आएगा, ई सेल इज जीरो, तो जीरो इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.059/n log, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, kc। अब e not cell इधर आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, e not cell is equals to -0.059/n log kc। अब नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो अगर किसी क्वेश्चन में kc ढूंढने को आएगा तो देखना क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय e नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059, इसका क्या होएगा, एंटी लॉग इज इक्वल्स टू kc। ओके, तो ये फॉर्मूला कॉपी कर लें जल्दी से, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। Okay, now let's look at the question of this one. ठीक है, calculate the equilibrium constant of this reaction. तो ये तो बहुत easy हो गया। सबसे पहले हमारे पास अगर मैं normal formula लिखूं, तो E not cell is equals to 0.059/n log kc. ठीक है, तो E not cell कितना दिया है गाइज, 0.46 वोल्ट। N कितना हो जाएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान, 2 डिवाइडेड बाय 0.059, इस पूरे को सॉल्व करके उसके बाद से लॉग को हटाना है, तो एंटी लॉग कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ऑल योर्स, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
यस समझ अभी आया। हाय हाय फाइव हाय फाइव हाय फाइव चैतन्य रोहित। सो नाउ दिस न्यूमेरिकल इज आल्सो डन। ये भी पिछले 10 सालों में 2-3 बार आ चुका है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी, अब हमने लास्ट ईयर गिब्स एनर्जी किया था। अगेन पहले तो फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं। ए ए प्लस बी बी गिविंग अस व्हाट, सी सी प्लस डी डी। तो हमारे पास ई सेल क्या आएगा प्रीतिका जल्दी से? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग सी रेसुपा सी इंटू डी रेसुपा डी अपॉन ए रेसुपा ए इंटू बी रेसुपा बी। ओके वेरी गुड। अब इसी को अगर हम इक्विलिब्रियम में चेंज करेंगे तो एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज जीरो? एग्जैक्टली दैट मींस आवर ई सेल विल बिकम जीरो। सो इफ ई सेल जीरो हो जाएगा तो हमारा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू गो एड 0.059 अपॉन एन लॉग। अब अगर हम क्लास 11th में चलें तो क्लास 11th में डेल्टा जी नॉट हमने किया था माइनस एन एफ ई नॉट, ठीक है। अब अगर इस पे फॉर्मूला आ गया तो वेरी गुड। अगर आपको के सी दिया है और कहा है कि ई नॉट ढूंढो तो आप यहीं पे इसी फॉर्मूला पे के सी को क्या कर दो, ई नॉट को यहाँ पे डाल दो। ई नॉट इज हाउ मच, 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। एन एन कट गया। अब फैराडेज कांस्टेंट होता है 96500 × 0.059 log KC। सो गिब्स फ्री एनर्जी के हमारे पास दो फॉर्मूला हो गए। एक हो गया गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला गिब्स फ्री एनर्जी का हो गया ये वाला। तो इन दोनों को लिख लो, ठीक है, सो दैट अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो पता चल जाएगा। ये जो वायलेट के पीछे छुपा हुआ है दैट इज अवर के सी। फिर इस, हाँ जी बेटा, सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू द न्यूमेरिकल। अब हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन टाइम। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन टू अस एज 1.1 वोल्ट। यानी कि हमें दिया है, यानी कि हमें क्या दिया है, हमें दिया है E0 cell 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी नॉट ढूंढना है। ओके अब इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा? अभी अभी जो बताया था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। एन बेटा बताना कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान? टू, टू का है, ठीक है। यस सॉरी सर, टू है। फैराडेज कांस्टेंट कितना होता है? 96500। एंड ई नॉट कितना दिया है? 1.1 वोल्ट। चलो इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं आंसर कितना आ रहा है। चेक करना, शाबाश। अब आते हैं और क्वेश्चंस पे। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब इसमें अगेन फॉर्मूला, हमारा ई सेल इज इक्वल्स टू, बताते जाओ बेटा,
फिर से कहा अपॉन एन इंटू लॉग ए रेस टू पावर ए इंटू बी रेस टू पावर बी। यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इनका नाम लिखेंगे, ठीक है। और ए जी पॉजिटिव में पावर में क्या डालेंगे, स्क्वायर, टू, ठीक है। आप गिवन देखते हैं, गिवन में एक तो ई नॉट सेल गिवन है, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आदान प्रदान, टू, ओके। वैल्यूज पुट किया जाए 1.05 माइनस 0.059 अपॉन टू, लॉग एन आई टू पॉजिटिव का है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 1, एंड नीचे हो जाएगा ए जी का हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो 2 मिनट्स, उसके बाद से आई स्टार्ट। So 10 to the power of minus 6, 10 to the power of 5. So we take one decimal place forward. Check 0.803 volts. Okay. Now let's come to the next question. In the next question, what do we have? Where is it? Here we have. Yeah. Okay. The cell in which the following reaction occurs, E not cell diya hai, calculate standard Gibbs energy and the equilibrium constant. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढने के लिए तो सिंपल क्या है हमारा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग केसी केसी। तो ई नॉट कितना दिया है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट गिवन, 0.236 वोल्ट। एन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, एन बड़ा ही पेचीदा है यहाँ पे, ये यहाँ यही शाबाश, वेरी गुड, 2 डिवाइडेड बाय 0.059, ओके। और इस पूरे का हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग टू गेट द वैल्यू ऑफ केसी, ओके। अगेन गिविंग यू 2 मिनट्स एंड देन आई डू इट।
59, 8 is a dead पूरा जा रहा है, 8, 8, 9, 8, 9, 72, 7, 8, 5, 4, oh very good. देखना बेटा केसी 10 to the power of 80 आया. यस सर. ओके, अब अगर केसी आ गया तो अब हमें ढूंढना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी. स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी माइनस एन एफ ई नॉट. शाबाश. तो n हमने अभी अभी ढूंढ ही लिया था, 2 है. फैराडेज इज 96500. e0 इज हमारा e0 0.236. ओके, जल्दी से करें, 2 मिनट्स देखते हैं. Check. I got it as negative 45.548 kilojoules per mole.